होने जा रहे हैं और हम आपको लगातार विधानसभा की कवरेज दिखा रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हो इस वक्त हमारी मौजूदगी भोंड गांव में और फिरोजपुर विधानसभा है। तो विधानसभा के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि किस पार्टी का माहौल है गांव में। तो दूसरा यहां के जो लोग हैं उनसे भी हम ताऊजी, जैसे कि विधानसभा चुनाव है और वोटिंग है 5 अक्टूबर को, किस पार्टी का माहौल आपके गाँव में? हमारे गाँव में दर्पण कांग्रेस का ज्यादा है। देखो आपने बात की कांग्रेस पार्टी के, तो आपके कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं इंजीनियर मामन खान, मैं उनको प्रत्याशीपुर में भी वो अपने MLA रह चुके हैं और फिर मैं कांग्रेस पार्टी पर भरोसे क्या क्या उन्होंने हमारी आवाज को उठाया है। तो जो आवाज उठाएगा उसके लिए हमें वोट कर तो विकास के लिए वो मेवा आपने बात की विकास की, 5 साल में कांग्रेस पार्टी से विधायक है मामन खान और सरकार की भारतीय जनता पार्टी, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिला है, अच्छा मिला है, लेकिन बेहतर हमें कांग्रेस लग रही है। पहले भी हमारे इलाके में उसने बहुत ज़्यादा काम किया और आपकी बार भी हम से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे इलाके में उन्नति करेंगे। आपने बात की कांग्रेस पार्टी से उम्मीद की, दूसरे मैं आपको कहना चाहूँगा आपके यहाँ से पूर्व में विधायक रहे नसीम अहमद जी, इन्होंने पार्टी से फिलहाल हबीब भावनगर से हैं, तो पहले जैसे आपके पूर्व में नसीम से हम बात करते हैं, तो नसीम का लेकर क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने तो इलाके के लिए कोई काम नहीं किया, उसके ऊपर हमने जज्बात जताया 10 साल अपना वोट काम उनको बनाया, लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ पर कोई उत्तर नहीं किया, ना कोई उनके कारण है उसके अंदर। देखो आप हम आपकी विधानसभा की अगर बात करें तो आपकी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या युवाओं को लेकर पहले नंबर पे रोजगार, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं तो हॉस्पिटल, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हॉस्पिटल की बड़ी समस्या है हमारे, उसके लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है। हाँ। तो इसलिए हमें हॉस्पिटल की भी जरूरत है और ये क्या कहें हैं स्कूल की भी ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी की भी ज़रूरत है और ऐसी एजुकेशन में भी हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए। जी 5 साल पहले यहाँ से मामन खान इंजीनियर विधायक थे, 5 साल पहले आपके गांव में कोई विकास का कार्य हुआ है विधानसभा में? आपके गांव में विधानसभा में तो रास्ता रुस्ता कोई हुआ है जी? अभी कुछ देर पहले हम आपके गाँव में थे, आपके गाँव की जो फिरने का रास्ता है वो बिल्कुल ख़राब है और मतलब यहाँ घुटने घुटने तक वहाँ पर कीचड़ का हालात बने हुए हैं। हाँ, उधर एक लुक्कड़ है जी, उसके बुरा हाल है, उसको बस वो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो रास्ता अभी। क्या कारण है आपका गांव का विकास नहीं हो पाया? 5 साल पहले विधायक थे मामन खान जी, वो मामन खान के हाथ में तो नहीं था, हमें यहाँ नहीं विधायक थे, एक विधायक कोटा के लिए 5 करोड़ हर साल आना आता है, 25 करोड़ रुपया अपने यहाँ विधानसभा के लिए मिलता है, जैसा मिला है वो उस हिसाब से विकास हुआ है, तो 5 करोड़ जो रुपये मिलते हैं हर साल आना, तो इलाके में बहुत सारे गांव और भी हैं, तो ये थोड़ी थोड़े बांट दिया जाता है। अगर हम बात करें, आपने बात की आपके गांव की परियोजना, अगर हम बात करें तो वो आपकी जो गांव की समस्या है काफी लंबे टाइम से चली आ रही है, चाहे पानी की समस्या की बात करें, चाहे आपके स्कूल को ले लें या फिर आपकी लाइफ को ले लें, वो आपकी जो समस्या लंबे टाइम से चली आ रही है, क्या हो जा रही है कि उनका समाधान नहीं हो पा रहा है? समाधान ये तो कुदरत का निजाम भी है कि पानी के लिए तो हमारा वाटर लेवल बहुत नीचे डाउन, उसमें हर साल डाउन ही होता जाता है, आपके कोई वही नहीं है, ऊपर पानी नहीं रहा, ये भी समस्या है, लेकिन यहाँ पर बिजली जो है वो बिजली विभाग वाले के तरफ से भी कुछ लापरवाही हो जाती है कि वो समय पे वायर दे ना पाओ। देखो आपके जो गांव की जो आपकी विधानसभा से दूरी है तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की आप दूरी पर आपका गांव बसा हुआ है, विधानसभा से इतने करीब होने के बाद भी आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही, किस तरह का? 24 तो नहीं मिल पा रही लेकिन 16 घंटा हमें मिलती है सही से। बीजेपी सरकार के प्रति 24 घंटा बिजली दे रहे हैं? नहीं 24 घंटे मतलब वो जो का बात है वो बात देखो बोरों की बोर लाइन आती है वो सिर्फ 6 घंटा 6 घंटा
वो भी नाइट में आती है। तो इस बार हरियाणा की सरकार बदलने जा रहे हो या फिर रिपीट करने जा रहे हो? उम्मीद तो हम ये करते हैं कि बदलने जा रहे हैं। बदलने जा रहे हैं किस पार्टी को? कांग्रेस को। कांग्रेस को।